नमस्कार, india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बात करूंगा इस वीडियो में किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने की संभावना है पूरे भारत में, इंक्लूडिंग दिल्ली और NCR। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई, चाहे वो हिली रीजन्स हो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, या फिर प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत में बाकी जगह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में रेनफॉल ने रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली NCR समेत तमाम शहरों में पिछले 100 सालों से ज़्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। और इस ब्रेक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन की वजह यह है कि एक के बाद एक WD इस बार 2022 के शुरुआती समय में, जनवरी के महीने में ज़्यादा देखने को मिले और इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा। आमतौर पर नवंबर दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा WD आते हैं, जिनकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश होती है और बारिश और बर्फबारी के बाद फिर ठंडी हवाएँ चलती हैं और ये ठंडी हवाएँ कारण बनती हैं लगातार कोल्ड वेव का। और ये कोल्ड वेव धीरे धीरे 15 जनवरी के बाद रिड्यूसिंग ट्रेंड पर हो जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि जनवरी में बारिश ज़्यादा हुई है और बारिश के बाद, बारिश और स्नोफॉल के स्पेल के बाद जब पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो जाती है, सिस्टम आगे निकल जाते हैं, तब उन पर्वतीय इलाकों से बर्फ़ की ठंडक लेकर हवाएं चलती हैं जो जम्मू कश्मीर से चलती हैं, गिलगित बाल्टिस्तान उत्तरी इलाकों से होते हुए उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शहर, साथ ही साथ गुजरात तक प्रभाव दिखाई देता है। जबकि गुजरात में आमतौर पर इस दौरान मौसम काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन इस दौरान जो तापमान में गिरावट हो रही है वो आपको बता दें कि गुजरात तक पारा गिरेगा और गुजरात तक तमाम इलाकों में, चाहे वो हम बात अहमदाबाद, वडोदरा की करें, यहाँ तक कि सूरत और मुंबई तक असर दिखाई देगा। हालांकि मुंबई में कोल्ड वेव नहीं चलेगी और कोल्ड डे कंडीशन भी नहीं रहेगी, लेकिन पंजाब में कई शहरों में रहेगी जहाँ पर तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम 16 से 18 या 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, फजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, इन सभी क्षेत्रों में, साथ में हरियाणा में हिसार और आसपास के जो दक्षिणी इलाके हैं खासतौर पर राजस्थान से सटे, इन भागों में ज़्यादा असर दिखाई देता है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर और साथ ही चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो राजस्थान का क्षेत्र है, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव कंडीशन की संभावना है और कोल्ड डे कंडीशन भी इन भागों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ पाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बारिश के कारण जो हवाओं में नमी है, इस समय बादल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा बादलों का इम्पैक्ट, थोड़े से मॉइस्चर का प्रभाव, इस वजह से अगर आसमान में आप देखें तो लगातार हेजीनेस बना हुआ है और इस धुंध की लेयर के चलते जो सनलाइट है वो सीधे नहीं पहुंच पाएगी नीचे ज़मीन पर, और इस वजह से दिन का टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाएगा, जैसा कि आमतौर पर होता है जब दिन शुरू होता है, धूप का प्रभाव पड़ने लगता है, तब धीरे धीरे टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है। लेकिन इस समय क्योंकि जो लोअर ट्रोपोस्फियर है उस पर हेज़ बनी हुई है, धुंध बनी हुई है, हवाओं में नमी ज़्यादा है, इस वजह से धूप का असर कम दिखेगा और तापमान नहीं बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी इलाकों में कहीं के पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर आज बारिश हो सकती है, और पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक, इन सभी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत हैवी रेन नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में बारिश होगी, मेरठ, नजीबाबाद से लेकर लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में, और गोंडा तक बारिश की संभावना रहेगी। पूरब में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश होगी, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी, और साउथ इंडिया में अगर हम बारिश की बात करें तो कोस्टल रीजन्स में बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर, तमिलनाडु के कोस्ट पर, बाकी जगहों पर इंटीरियर पार्ट्स में बारिश नहीं होगी। लेकिन कोहरा इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड, साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में छाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात के भी कुछ इलाकों में, गुजरात में वैसे आमतौर पर कोहरा कम देखने को मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। महाराष्ट्र में तापमान गिरेंगे क्योंकि सीधी जो हवाएं, ठंडी हवाएं हैं वो उत्तरी दिशा से लगातार महाराष्ट्र में भी पहुंचेंगी, जिस तरह से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र तक प्रभाव दिखाई देगा उसी तरह से यहां पर भी असर रहेगा, तो कोल्ड वेव का प्रभाव रहेगा, इस वजह से बच कर रहे हैं। आमतौर पर जब आप जानते हैं कि जनवरी जो कि एंड के करीब पहुँच चुका है, जनवरी का महीना, और इस दौरान सर्दी धीरे धीरे अब विदाई की तरफ शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दी एक्सटेंड हो रही है, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा बेपरवाह हो जाते हैं कि सर्दी अब जाने वाली है, कैजुअल हो जाते हैं। ऐसे में कैजुअल बिल्कुल मत होइए, जिस तरह का मौसम है ये इम्पैक्ट नेगेटिव डाल सकता है आपके हेल्थ पर,
सुरक्षित रहिए, बच कर रहिए, सर्दी को लाइटली न लीजिए, ये मेरा सुझाव है। और अगले 3-4 दिनों तक ये कंडीशन बनी रहेगी पंजाब से लेकर बिहार तक, और कोहरा भी रहेगा इन सभी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर बिहार तक। कई जगहों पर डेंस फॉग के चलते एयर, रेल और रोड ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। तो फिलहाल india.com पर इस वेदर स्पेसिफिक बुलेटिन में इतना ही। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी बने रहिएगा india.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।